प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के उपाध्यक्ष श्री नवदीप दास जी, पूर्व सांसद और पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग श्री विजय सांपला जी, पूर्व सांसद श्री एस एस ढिल्लो जी, जनरल सेक्रेटरी श्री सतपाल हीरा जी, प्रदीप दास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, सुखदेव बाघमारे जी, देश के और दुनिया के कोने कोने से पधारे सद्गुरु रविदास जी महाराज के सभी अनुयायी भक्तगण, उपस्थित बहन और भाइयों, आज काशी की धरती पर सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज की 647वीं पावन जयंती समारोह के आयोजन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संत सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होना है। मैं अग्रिम रूप से सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों को, भक्तों को, काशीवासियों को, आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हम श्री गोवर्धनपुर में आते हैं तो यहां पर हम लोगों को एक नया स्वरूप काशी की ही तर्ज पर देखने को मिलता है। आज से 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी, विवाद थे। ये जो यहां पे समागम होता है, इतना भव्य समागम, जगह नहीं मिल पाती थी, सड़कें संकरी थी, लेकिन हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी दूरदर्शिता, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज का पावन तीर्थ एक बार नई भव्यता के साथ, नई दिव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई। अभी यहां पे सद्गुरु के संग्रहालय का भी शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आप देखना कितनी बड़ी प्राचीन विरासत को, ये विरासत जब अगले 3 वर्ष के अंदर ही यहां पे यह संगत सद्गुरु की 650वीं जयंती कार्यक्रम को मनाएगा, तब एक भव्य स्मारक भी यहां पर आपको संग्रहालय के रूप में देखने को प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पहले भी बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग घोषणाएं करते थे, लेकिन सचमुच क्या कार्य हो पाया था? लेकिन आज सही मायने में कोई कार्य कर रहा है। किसी ने जगतगुरु रामानंद जी की शिक्षाओं का,
सदगुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करके व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किया है, तो वह नाम है देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जगत गुरु रामानंद जी ने यही तो बात कही थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है, समाज में सबका साथ और सबके विकास का यह मंत्र पूरे देश के अंदर हर उस गरीब को जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है मकान मिल रहा है, जिस गरीब के पास शौचालय नहीं है उसको शौचालय मिल रहा है, 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत की गारंटी मिल रही है और जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही यहां पे जो भी सांपला जी कह रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को जो सम्मान दिलाने का कार्य स्वतंत्र भारत के अंदर किया गया, यह भी अद्भुत कार्य पहली बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए पूरा समाज और पूरा देश आपके प्रति आभार व्यक्त करता है, आपका अभिनंदन करता है। और काशी की धरती में तो आपने जो नई प्रेरणा दी है काशी की धरती के माध्यम से देश और दुनिया को, अद्भुत है, एक नई मिसाल है। कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति इस बारे में कहता था कैसे चलेगा, कैसे होगा, 140 करोड़ भारतीय भारतवासी कैसे आगे बढ़ पाएंगे इस महामारी के सामने, कैसे जीवित रह पाएंगे। लेकिन आज आपने उसी समय फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार की व्यवस्था तो की ही, जो 600 वर्ष पहले सदगुरु ने जो बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। और सचमुच संत रविदास जी की यह उक्ति किसी ने चरितार्थ की तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के मिल रहा है, यह भी पहली बार हुआ है। यह भी सदगुरु के ही कार्यों को जमीनी धरातल पर उतार करके कैसे उनके जीवन को कोरोना से भी लड़ने के लिए और साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के उनको राशन की सुविधा का लाभ 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आज आप एक बार फिर से तीसरी बार इस शीर गोवर्धन में आकर के आपने यहां पे सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा और पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर किया है और कुछ ही देर में संग्रहालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से संपन्न होगा। आज आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में और आपकी दूरदर्शिता के कारण यहां के सारे विवाद समाप्त होकर के पूज्य सदगुरु के प्रति नमन व्यक्त कर रहा है, अपना आभार और अभिनंदन कर रहा है। इस अवसर पर मैं भी प्रदेशवासियों की ओर से और इन सभी भक्तों और अनुयायियों की ओर से भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए श्री रविदास महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र 647वें जयंती आगमन पर्व की आप सभी संगत को लाख लाख बधाई दी है एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुरु दरबार की तरफ से बहुत से जो कार्य हैं वह संगत के ठहरने के लिए लंगर हॉल की व्यवस्था की गई है और आज सुबह ही महाराज जी का फोन आया है और महाराज जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी
को कहा भी डेरा सचखंड पल्ला में भी जलंधर में भी दर्शन दे। आज महाराज जी ठीक होने के कारण, उनका स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से कार्य अभी गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर जो लाखों में नहीं आज करोड़ों में गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी हैं, उनकी आज गिनती करोड़ों में है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सत गुरु रविदास महाराज जी के 647वें आगमन पूर्व पर मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आज के शुभ दिन पर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की 647वीं जयंती पर आप सभी संगत को शुभकामनाएं देंगे, बेनती करूंगा माननीय प्रधानमंत्री। बोलिए श्री रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी सर्वनदास महाराज की, श्री रविदास शक्ति, श्री रविदास शक्ति, श्री रविदास शक्ति, जय गुरुदेव। सत्रह जय गुरु रविदास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूरे भारत से यहां पधारे सम्मानित संतजन, भक्तगण और मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का मैं गुरु रविदास जी जन्म जयंती के पावन अवसर पर उनकी जन्मभूमि में स्वागत करता हूं। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी इतनी दूर से यहां आते हैं, खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। ये सब संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं, मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भाइयों बहनों, यहां के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं, ये मेरा दायित्व भी है। मुझे खुशी है कि आज इस पावन दिन मुझे अपने इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर मिला है। आज बनारस के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुखद और सरल होगी। साथ ही संत रविदास जी की जन्मस्थली के विकास के लिए भी कई करोड़ रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। मंदिर और मंदिर क्षेत्र का विकास, मंदिर तक आने वाली सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग और ड्रेनेज का काम, भक्तों के लिए सत्संग और साधना करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण, इन सब से आप सब लाखों भक्तों को सुविधा होगी। माघी पूर्णिमा की यात्रा में श्रद्धालुओं को
आध्यात्मिक सुख तो मिलेगा ही, उन्हें कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। आज मुझे संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भी आज रखी गई है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज महान संत और समाज सुधारक गाड़गे बाबा की जयंती भी है। गाड़गे बाबा ने संत रविदास की तरह ही समाज को रूढ़ियों से निकालने के लिए, दलितों वंचितों के कल्याण के लिए बहुत काम किया था। खुद बाबा साहब आंबेडकर उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। गाड़गे बाबा भी बाबा साहब से बहुत प्रभावित रहते थे। आज इस अवसर पर मैं गाड़गे बाबा के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अभी मंच पर आने से पहले मैं संत रविदास जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने, उन्हें प्रणाम करने भी गया था। इस दौरान मेरा मन जितनी श्रद्धा से भरा था, उतनी ही कृतज्ञता से भी भीतर महसूस कर रहा था। वर्षों पहले भी जब मैं न राजनीति में था, न किसी पद पर था,